जैसे कि आप लोग को मालूम ही होगा कि बिहार का ये सोनपुर मेला पूरे भारत में मशहूर है, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सुई से लेके हाथी तक बिकता है ना। इस समय वर्तमान समय में हाथी तो नहीं बिक रहे हैं, लेकिन घोड़ा ज़रूर बिक रहे हैं, है ना। तो आज के इस मेला मंडी से चल करके हम कुछ आप लोगों को घोड़े दिखाएंगे और घोड़े से संबंधित वो हर तरह की जानकारियाँ आप लोग तक शेयर करेंगे जो एक घोड़ा रखने वाले व्यक्ति को वो चाहिए। छकड़ी घोड़ा है तो क्या नाम है आपका जी? राज नारायण सिंह जी। पूरा पता बताइए। भोजपुर शाहपुर थाना ईश्वरपुरा बिहार। बिहार। गांव का नाम क्या है? ईश्वरपुरा। अच्छा जी, तो ये घोड़ा आपका है? ये कितने दिन का घोड़ा हो गया? घोड़ा 1.5 साल का। 1.5 साल का घोड़ा। दांत में छकड़ी? अभी दांता नहीं है। दांता नहीं है, छकड़ी है। हाँ। रेस वेस में कैसा है चलने में? रेस में 35 चल रहा है। अच्छा, तो बाबा जी सोनपुर के इस मेला में आप ले आए हैं इसको बेचने के लिए? अच्छा, ग्राहक अभी इसका कीमत कितना दे रहे हैं? ग्राहक 2 का अंदर कर रहा है, कोई 90, कोई 95, कोई 1.25। अच्छा, हमारी है। तो वैसे इसका कीमत कितना रखे हैं आप? हम 2.5 लाख मांग रहे हैं। 2.5 लाख मांग रहे हैं, और ग्राहक कितना बोले? 2 लाख में तो कम कर रहे हैं। 2 लाख में कम? बहुत महंगा घोड़ा है, 2.5 लाख के करीब। चलने वाला है। राजस्थान बाड़मेर बॉर्डर से लाए हैं। बाड़मेर बॉर्डर से? शौकीन व्यक्ति हैं आप? नहीं, हम कारोबारी हैं, है ना। तो कितने दिनों से ये कारोबार कर रहे हैं? हम तो करीब 35-40 साल से कर रहे हैं। 35-40 साल से। अच्छा, आपके देखने से सोनपुर के मेले में पहले की अपेक्षा ग्राहक बढ़े हैं या घटे हैं? ग्राहक तो थे, लेकिन जानवर अच्छा नहीं था। मैं इस समय की बात कर रहा हूँ, वर्तमान समय की। अभी वर्तमान ग्राहक घट गए हैं, ग्राहक नहीं, ग्राहक घट गए हैं। और पहले? पहले थे। 3 साल के बाद ये मेला लगा हुआ है सोनपुर में, तो उसके वजह से कुछ कमी है या फिर क्या, कुछ बताइए बाबा जी। कमी है उसके वजह से, मतलब बिक्री उतनी अच्छी नहीं है नहीं। आप लोगों की तो आपके यहाँ एक यही घोड़ा है? नहीं नहीं, हमारे पास 3 घोड़े हैं। घोड़ी और दिखाइए, दूसरे घोड़े और इसके बारे में भी बताइए, ये कितना है दांत में? ये भी उदंत है, दांता नहीं है। उदंत है। हाँ। ये किस कीमत में है? इसका तो 95,000-90,000 मांग रहे हैं। 95,000-90,000। पार्टी 50-55 दे रहा है। सबसे महंगा घोड़ा आपका यही है, है ना। ये तीसरे को बताइए बाबा जी। बाबा जी कितना घोड़ा लाए थे आप इस मेले में? हाँ, 12-13। 12-13 लाए थे। और 3 ही बचे हैं कि 4 बचे? 4 बचे हैं। ये कितने दिनों से लाए थे? लाए थे 6 तारीख को। 6 तारीख को लाए थे और आज तारीख है 12, यानी 6 दिन। 6 दिन में कितना घोड़ा बेच दिया? मतलब कि 9 बेच दिया। 9 बेच दिए। तो इसके बारे में बताइए बाबा जी। ये भी उदंत है। उदंत बच्चा है, इसको 65-60 मांग रहे हैं। 45-45 लग रहा है। 42-45 लग रहा है आपका लास्ट देने वाला? अब लास्ट 50 का इधर उधर देंगे, 50 के आसपास। बाबा जी के पास 3 घोड़े मौजूद हैं, जिसमें ये 50 के आसपास है, और ये वाला बाबा जी ये 75 के आसपास। ये 75 के आसपास, और जो सबसे महंगा घोड़ा है ये रहा, करीब 2 लाख रुपए कीमत इसका बता रहे हैं। अच्छा चलने वाला है, 34-35 चल रहा है। तो पगड़ी उगड़ी बांध लिए ना? बांध लिए ना? हाँ, आज तान लीजिए एकदम मूछ को बढ़िया से। ए सुदामा बाबू विधायक। हाँ, अब अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। अब घोड़े के साथ मूछ भी जम रही है आपकी, है ना। तो सबसे पहले आप अपना नाम भी बताइए। बच्चा बाबू जी, शुभ नाम आपका बच्चा बाबू ही है। तो आप इस घोड़े के बारे में बताइए कि ये घोड़ा कितने दिन का है? घोड़ा ही है 5 साल। आप इसे बड़े शौक से रखे होंगे? बहुत शौक से। चैंपियन भी रह चुका है? चैंपियन। प्रतियोगिता में भाग लेते हैं? भाग लेते हैं। अच्छा जी, तो कितना प्रतियोगिता आप जीत चुके हैं इससे? कितना प्रतियोगिता? 3 रेस मारे। 3 रेस मारे हैं। अच्छा जी, और कुछ खास बताइए आप अपने घोड़े के बारे में, कितना आप इसको चाहते हैं?
इसको हम रुपया मांगते हैं साहब, बाबू लोग गरीब आदमी से सब लोग से देखते हैं कि वो हमरो ले, अब हम उम्र हो गया 60-65 के, इसको हम 1,05,000 में छोड़ सकते हैं। 1,05,000 में छोड़ देंगे किसी लाके तोरे लखा लड़का चढ़ेगा तो कहूँ हमारा नाम करेगा। अच्छा जी, हाँ हाँ, घोड़ा 2.5 लाख का हो, वहाँ पे 2.5 लाख का है, 2.5 लाख का और जोर लगा वाला सोनपुर मेला में बांधल हो। चाचा का कहना है कि ये घोड़ा 1,05,000 रुपया में हम इसमें बेचेंगे, है ना? सोनपुर के मेले में ये घोड़ा आया हुआ है जिसका रेट आप लोग सुने हैं 1,05,000 रुपया। बच्चा बाबू है, बच्चा बाबू का घोड़ा है ना जी। आइए दूसरा घोड़ा को दिखाइए जी। चलिए बिहार चैंपियन, हाथ भर बिहार चैंपियन इनके यहाँ है ये। हाँ, एक कलर फोटो खींचिए जी, कलर फोटो खींचा जा रहा है। जाओ सुदामा बाबू, काफी लंबा घोड़ा है, है ना? हाइट में बहुत ज्यादा है, ऊंचा घोड़ा है ना? ये कितने दिन का घोड़ा हो गया? घोड़ा ही हो गया 8 साल। 8 साल का? 8 साल 9 साल मान के चलिए। अच्छा जी, तो इसके बारे में भी बताइए कि ये कितना प्रतियोगिता में आगे रहा है? ये तब उम्रदार से कमरदार हो गया, कमरदार से लमरदार हो गया। अच्छा जी, घोड़ा बेचने लायक नहीं है? बेचने लायक नहीं है माने दूसरा के देने लायक नहीं है। हाँ। इसलिए कि 5 साल मकान बनवा दिया जब से किने तब से। अच्छा जी, मतलब आपका ये लकी घोड़ा है? लकी घोड़ा, लक्ष्मण घोड़ा है। हाँ हाँ। अब यदि हमरो लेके शौखीन बाबू हो मोछला जी तो हमरा से आके बतियाई तो घोड़ा मिल जाए जाई। घोड़ा के दाम है 1.5 लाख। 1.5 लाख आम गरीब जनता के चढ़ेला। सरकार बनल कब से कि नरेंद्र मोदी के बहनो और बांस बाबू बैठल बड़े तब से। यानी 1.5 लाख की कीमत में आप इस घोड़े को बेचेंगे? हाँ हाँ, 1.5 लाख से कम में ना। अगर कोई शौकीन व्यक्ति आपके जैसा ही मिलेगा तभी? हाँ, उसका भी मूछ होना चाहिए। हाँ, हमारे लेखा मूछ होना चाहिए। अच्छा जी, हमारा रहे बुआ 3 बरस पहले कोरोना चले तो वो देखनी। अच्छा जी, डेंगू चले तो वो देखनी जी, सब देखनी। सब देखता हुए टाइप करके भेजा जाएगा सरकार में। जी जी, नाम है बच्चा बाबू, बाकी बाबू को है मैं लाल लगे ला कब से कि 65 बरस के उम्र हो गई बा तब सब से। अच्छा चाचा, एक बात बताइए बाबू, सोनपुर का मेला पहले जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ना बाबू, पहले लेखे मेला नहीं लग रहा है ना, रस नहीं है। हम देख रहे हैं जब से हम इस मेला मंडी में आए हैं ग्राहकों की एक बहुत ही भारी कमी है ना। ग्राहक कम है? हाँ, ग्राहक कम है, बहुत कम है, बहुत कम। हमारे ख्याल से लगता है 2 साल के बाद ये मेला लगा हुआ है। 3 साल, 3 साल के बाद ना। आज से जो 3 साल पहले मेला लगते थे सोनपुर में, हाँ, वो कुछ अलग थे। अलग थे, और अचानक जब ये 3 साल के बाद लगा है तो रौनक खत्म हो गई है। केहू के जान, बाबू केहू के जानकारी नहीं खे, केहू आवत नहीं खे, केहू 3 बरस पर मेले लगल, बोकिन बंद हो गल, ट्रेन बंद हो गल, रेल बंद हो गल, खेल बंद हो गल, कहाँ मेला में आनल बनल माछी मेहरारू दवाई कैंसर कहाँ बिकाई। अच्छा चाचा, एक बात बताइए, पहले यहाँ पे हाथी भी बिकते थे? हाँ, पहले हाथी बिकता था। अच्छा, हाथी आता था, जाता था, बिकाता था, हाथी है कहूँ मेले में। भाई लोग, सोनपुर के इस मेले में लगे हुए घोड़े की मंडी से कोई हकीकत दिखाने को तैयार नहीं है। हमारे सामने कुछ ऐसे बहुत सारे YouTube पे वीडियो बना के डालने वाले लोग मिले थे जिसमें लोग सिर्फ ये दिखा रहे थे 4 लाख का घोड़ा है, 7 लाख का घोड़ा है, 12 लाख का घोड़ा है, मंत्री जी का घोड़ा है, इस तरह से बस वीडियो बना रहे थे, है ना? लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। इस मेला मंडी में वो रस नहीं है, वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है जो एक मेला मंडी में होना अनिवार्य होता है। यहाँ पे सिर्फ घोड़ा बंधे हुए हैं लेकिन ग्राहकों की बहुत ही भारी कमी हुई है। कितना? 20,000। 20,000, 20,000,
दादाजी इस घोड़े का बच्चे का जो कीमत लगा रहे थे 20,000 रुपए। देखिए आप लोग के सामने इस तरह के बहुत प्यारे प्यारे और बिल्कुल मायूस नज़र से देखते हुए घोड़े के बच्चे नज़र आ रहे होंगे। एक ये रहे हैं और एक ये रहे हैं। कम उम्र का बच्चा है, हमें लग रहा है कि 3 महीने का बच्चा होगा। और इसका कीमत हम पूछे थे जो घोड़ा बेचने वाले व्यक्ति हैं उनसे ही, ये 30,000 के आसपास बता रहे हैं इसका कीमत है ना। ये देखिए घोड़े के खरीदार व्यक्ति, जानकारी के मैं आप लोग को फिर से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे घोड़े की खरीदारी कम हो रही है और देखने वाले जैसे पर्यटक के रूप में जैसे लोग आ रहे हैं मेला मंडी में घूमने के लिए, उनकी संख्या कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। एक घोड़े का कितना रखे हैं? 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये रखे हैं। और इधर वाले का कोई सा भी ले लो, 1,00,000 के। 1,00,000 के कितने महीने के हैं? या 5-5 महीने के। 5-5 महीने के। नस्ल कौन सा होगा? पंजाब। पंजाब के नस्ल है। लाख रुपए की कीमत में इन घोड़ों को बताया जा रहा है, बच्चे हैं अभी 5 महीने के। सही बोलो, हम तो 1 रुपया दे दीजिएगा सही में। और क्या, आइए इधर, आइए उधर, जाओ आ जाए। इस घोड़े का यहाँ पे सौदा हो रहा है, देखते हैं क्या होने वाला है। बच्चा को सामने कितना है, अभी भी दरवाजे पर है मेरा। कितना में? 1,00,000 रुपये में बेचे। पर हम 1,00,000 में मिला के ऊपर साल नहीं बिकाएगा। नहीं बिकाएगा। बच्चा हम दिए 60,000 में चढ़ने वाला है खान साहब के। हाँ बढ़िया, राजस्थान की बच्चा लिए थे परसों। खान साहब तो बोला 36,000 में लिए थे। लिया होगा 36,000 में लिए होंगे। साथ में ले लिया हम मिला के। ठीक है बिल आए होंगे, छोड़िए। अच्छा छोड़िए, आप कितना में दीजिएगा? 1,00,000 रुपये लास्ट बेचने। कितने का लोगे? 40 में छोड़िएगा। आए तो छोड़ गए, बोलिए। नहीं मंगाऊँ? नहीं बिल्कुल मत मंगा। 40 में? नहीं बिल्कुल मत मंगा। जी आप मंडी में आए हैं लेकिन मंडी में आए तो कुछ फ्री में छोड़िए। कितना देर में आए? 40,000 बच्चे जा बच्चे इस घोड़े का जो ग्राहक द्वारा कीमत लगाया जा रहा था 40,000 रुपये, लेकिन जो घोड़े के मालिक है बेचने वाले बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं, वो इस घोड़े का 1,00,000 रुपये मांग रहे हैं और ऐसा बोल रहे थे कि ये 5 महीने का बच्चा है पंजाब नस्ल का। क्या हुआ जी? नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है? कहाँ तक बोल रहा है बाबा? अच्छा ये पंजाब वाला है या फिर पंजाब वाला है? पक्का? पक्का पंजाब। अच्छा पंजाब का भी है भाई, पर कीमत ज़्यादा बोल रहे हैं ना, 1,00,000 रुपये बोल रहे हैं, वो भी बच्चा है 5 महीने का, कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज़्यादा है। 50,000 में दिए, 50,000 में लेंगे इसको। 50,000 में? 50,000 में देगा तो लेंगे। दे तू बात कीजिए, देखिए क्या होता है। नहीं देगा, हम जानते हैं। नहीं देगा। ठीक होगी बच्चों, 55,000 भी हम देंगे। अरे नहीं बिक रहा वो 55 का 60 का नहीं बिक रहा। अरे दे दो बाबा कुछ, 55,000 बाबा नहीं दे दो। अरे नहीं बिक रहा।
अरे सोनपुर में वो रस नहीं है जो पहले रहता था। ग्राहक कहाँ है? ग्राहक कहाँ है? हाल है बाबा, हम लोग भी घोड़ा चढ़ते चढ़ते बूढ़ा हो गए। तो बूढ़े हो गए तो फिर क्या बात है? सौदा कराइए। 5500 में ठीक है। अरे बाबा खोल दो, बाबा खोल दो, ठीक रहेगा। अरे पकड़ लो, हो गया, खोल दो खोल दो। सुबह सुबह से बहुनी कर लो। पछतागा तो चुराई बताएगा। 1 लाख का है? 1 लाख का समझ में लो, नहीं मान लो, जाओ रखो रखो, जाओ 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 मंगनी लेना है, जाओ नहीं। तो अभी तो चिड़िया बाजार में भी चिड़िया भी नहीं है, चिड़िया भी नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि कुत्ता आया। तो कुत्ता तो हम गली में भी देख लेते हैं, कुत्ता देखे हम मेला में आवे। कुत्ता कोई आकर्षण नहीं ना, आकर्षण का चिन्ह है हाथी है, शेर बाघ है, ऊंट है, ऊंट है। भाई लोग सोनपुर के इस मेला मंडी में बहुत सारे भाई YouTube वीडियो बनाने के लिए भी आए हुए हैं। देखिए आप लोग के सामने कुछ इस तरह से भीड़ सामने नज़र आ रही होगी, है ना। भाई लोग सोनपुर के इस मेला मंडी से कोई भी व्यक्ति मैं देख रहा हूँ कि रियल वीडियो नहीं बना रहा है। जब भी मैं देख रहा हूँ वो बड़े बड़े घोड़े के पास जा रहा है ना। छोटे घोड़े वालों के पास नहीं जा करके, बड़े घोड़े वालों के पास जा करके उन लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है ना। उसे खूब बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, तरह तरह के मिर्च मसाले वाली बातें उसमें डाली जा रही है ताकि अच्छा से अच्छा वो वीडियो प्रदर्शित हो, है ना। लेकिन हम रियल बता रहे हैं आप लोगों को, घोड़े की मंडी में कोई रस नहीं है, कोई रौनक नहीं है, है ना। और जितने भी लोग आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे ये सिर्फ सैलानी है, पर्यटक है, है ना। सिर्फ आए हैं ये लोग मेला में घूमने के लिए, है ना, आनंद लेने के लिए, और ख़रीदार व्यक्ति नहीं है यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। आप यह कह लीजिए कि यहाँ पे घोड़े का तो मेला ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन ख़रीदार व्यक्तियों की ना आने की वजह से घोड़ा मेले में वो चीज़ नहीं है जो नज़र आनी चाहिए, है ना। मेला मंडी बिल्कुल ही डाउन चल रहा है, जैसे कि पहले एक बाबा जी आप लोग को बताए होंगे कि इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। कितना भैया? बच्ची है, बच्ची बच्ची। कितना दाम रखा गया है इसका? 60,000 रुपए है। 60,000 कम नहीं है? दाम कम नहीं है? हाँ कम लाओ, कितना देना है? कम नहीं है ना, कम नहीं है, ठीक है। तुम्हारे हाथ में नाम दे दिया, संत नापो चौकड़ी चार। हाँ अभी चौकड़ी निकल रही है थोड़ी थोड़ी, बस इतनी होगी। ए लो सब ना, अच्छा ठीक है, इतनी रंदे इतनी रंदे भाई, कितनी नाप दे, नाप दो तीन लगा बात नहीं आएगी तुम्हें, इसी कर दी मैं कि अन्य कितनी। चलो ठीक है, तुम्हारी बात फिर से कर लो, साथ में नाम रहेगी ईमानदारी की। चल चल चल, अब देखो ये एक काला बाद नहीं मिलेगा, प्योर नपुरी है। जिंदगी के देखे रहे सामान बहुत पानीदार बच्ची, बहुत खड़ी बच्ची है। खड़िया बाबा 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, देखो कनी चल। हाँ कंजी ताकि देखो बाबा, अरे खरा सिक्का है, देव मन कंठमन होंगी बाबू साहब, और कोई भोरी नहीं मिलेगी। अलग है कौन, सॉरी
हल्ला हल्ला करो लो सर देख ना खूब देगो हम तो तुम्हारे हाथ में दे दे लो खूब आराम से देगो हल्ला करो तो सच्ची मान ले के तने काम का बात नहीं दे रहे ये हल्ला कर देगी दे रहे में दातावत चले गुठी ओहन होय ये लो दूडा मैं दिखाऊंगा अरे चारों को भी बराबर नहीं भाई बराबर नहीं है अभी चार बाबू साहब मीना कह रहे आप हल्ला क्यों कर रहे हो हमें मालिक इसी बात की तनख्वाह देते हैं नहीं तो मालिक को नहीं हमें तो डंडा मार के भगा देंगे घर अरे ये मालिक को मर दे होने के लिए हिम्मत कर तू अरे आ गया अरे बहुत आसन है बाबू साहब बहुत आसन है इसका अरे बिटिया जा ये डरती है कहीं मुझे मारे नहीं मारने से डरती है ये कितने महीने का हो गया बच्चे अभी दो ढाई महीने की बच्ची कि तीन से प्लस हो गए हैं तीन से प्लस हो गए तीन महीने से हाँ तीन महीने के करीब अब और छोटी आएगी अब और छोटी आएगी तीन महीने की ये बच्ची है जिसका कीमत यहाँ पे भैया बता रहे थे 65,000 रुपये वैसे हमारे से मौखिक रूप से बोले हैं 60,000 रुपये घोड़े पालने के शौकीन व्यक्ति इस मेला मंडी तक पहुँच करके घोड़े की खरीदारी भी कर रहे हैं लेकिन बहुत कम हम पूरे 4 घंटे से मेला मंडी में मौजूद हैं और कहीं कभी कभार क्रय विक्रय हम देख रहे हैं हो रहा है ये देखिए उम्र में कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं लेकिन ब्लैक कलर के घोड़े पे सवार हैं बाबा जी और जोश उतना ही है ओहो एक लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ घोड़े वाला जो ये छोटा सा अभ्यास वाला जो जगह है उसी के अगल बगल तरह तरह के घोड़े आ रहे हैं जा रहे हैं और लोग भीड़ लगा करके अपना आनंद उठा रहे हैं अगल बगल खड़े होकर के बाबा जी अरे बाबा थोड़ा समय दीजिए एक मिनट का उधर से आके अभी हम उनसे आग्रह किए हैं उधर से आएंगे है ना अब सोनपुर का मेला पहले जैसे नहीं रह गया है पहले बहुत सारे जानवर तरह तरह के पशु पक्षी आते थे और बहुत ही दूर दराज के सैलानी यहाँ तक आते थे लेकिन अब क्या है कि ये सीमित हो गया है अब वो रस नहीं रह गया है जो पहले रहता था बाबा जी थोड़ा समय दीजिए एक मिनट का ठहरिए क्या नाम है बाबा जी आपका नाम भी अच्छा जी पास के ही हैं या दूर के हैं पटना के हैं ये घोड़ा मालिक कौन है आइए यहाँ पे एक मिनट के लिए ये थोड़ा मशगूल है अपने रेस में चाचा घुड़सवारी में लगे हुए हैं आइए आराम से चाचा घुड़सवारी में लगे हुए हैं और उनका हम समय भी खराब नहीं करना चाह रहे हैं बहुत से सैलानी जो हैं इस छोटे से घोड़े का रेस का आनंद उठा रहे हैं है ना और उनका कहना है कि घोड़ा थोड़ा रेस पकड़ा हुआ है तो उसके चाल को हम ख़राब नहीं करेंगे अगर वो थोड़ा देर के लिए रुक जाएगा तो उसका चाल बिगड़ सकता है इसीलिए हमें थोड़ा स्थगित होना पड़ रहा है हम कुछ उनसे जानकारी लेना चाह रहे हैं लेकिन उनका समय बहुत कीमती है इस चीज़ को हम जान सकते हैं बहुत ही मेहनत भरा कार्य होता है तो दांत में कितना है भैया ये 4 दांत दांत में 4 दांत स्पीड उस्पीड नापे हैं चलने में अच्छा साधारण दौड़ जाएगा ये कीमत वैसे कितना रखे हैं 75,000
गहरे काले रंग का यह घोड़ा है जिसके पीठ पे देखिए कहीं कहीं सफ़ेद नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका कीमत 75,000 रुपये रखा गया है। दांत में 4 दांत बताए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शकील है। कहाँ से आए हैं? हम आएंगे इलाहाबाद पे आगे फतेहपुर कानपुर पे। इलाहाबाद फतेहपुर? फतेहपुर। फतेहपुर से आए हैं? हाँ। अच्छा जी, तो ये आपका घोड़ा है? ये हमारा घोड़ा है। ये दांत में कितना होगा? ये 4 दांत है। दांत में 4 दांत। हाँ। सोनपुर के मेले में आप कितने दिनों से आए हैं? अरे हम हो गए 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता? कितने घोड़े लेके आए थे? लाए थे कम से कम 28। 28? कितने बिक्री हुई हैं? अब बचे होंगे 8-10 बच्चे। 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे हैं। 28 लाए थे यानी 18 बिक गए हैं, है ना? तो ये घोड़ा किस कीमत में है? ये भी घोड़ा आएगा, उसके भी सही पैसे मिलेंगे, 35-40-45 हज़ार रुपये 45 मिलेंगे दे देंगे। 45,000 रुपये यानी 45,000 रुपये में ये घोड़ा बेच देंगे? बेचना है हमको, रखना नहीं है। हाँ, बेचना है रखना नहीं है। अब मोल तो 62,000, वैसे मांगने वाला 65,000 रुपये, लेकिन 50 और 45 का टूटेगा। 50 और 45? अरे 45 भी दे देगा, आखिरी भी दे देगा। मार्केट सही नहीं है लग रहा है? मार्केट नहीं ना, ग्राहकों की कमी है। काम है। अच्छा, पहले भी आप लोग आते थे सोनपुर के मेला में? नहीं नहीं, हम लोग पहले इधर करते थे, तुम्हारे पूरू है, बटेकर है, गढ़गंगा है, यहाँ भी जाते थे। तो उधर तो सब बंद है? उधर बंद भी है। तो इधर आप लोग पहली बार आए हैं या फिर कभी आए भी थे? पहली दफे अब आए हैं। बर्फ उधर तुम्हारे ये कौन सा मेला बोलते हैं, ददरी वाला, ददरी का, इनमें आए हैं। अच्छा अच्छा, यानी 10 घोड़े और बचे हुए हैं, है ना? 45,000 की कीमत में इस, हाँ, बरहपुर 45,000 की कीमत में इस घोड़े को बताया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति घोड़े लेने की नियत से यहाँ तक आता है तो ये घोड़ा मिल जाएगा इनको। चलने जानता, दौड़ने में दौड़ने वाला घोड़ा बताया जा रहा है। Thank you.